please subscribe and press the bell icon for more content. हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेड रियल टेक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा एमएस पेंट के अंदर किस तरीके से प्रिंटेबल पासपोर्ट साइज फोटो क्रिएट करते। हाँ जी दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, यहाँ पर आप लोग इजिली प्रिंटेबल 12 या फिर 8 पासपोर्ट साइज फोटो इजिली क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए, अंत तक जानकारी मिल रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर कर लीजिए। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी एमएस पेंट ओपन करके रख चुका हूँ दोस्तों मेरा कंप्यूटर के अंदर। आप लोग भी इसी तरीके से एमएस पेंट ओपन कर लीजिए। एमएस पेंट ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको जो इमेजेस को पासपोर्ट साइज फोटो बनाना है तो उस इमेजेस को आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है। तो उसके लिए दोस्तों, आपको सिंपली आपका एमएस पेंट को मिनिमाइज करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के बाद दोस्तों, आपको जहाँ पर इमेज है वही इमेजेस आपको सेलेक्ट करना है। दोस्तों, मेरे पास ये वाला एक इमेजेस है, इस इमेजेस को मैं यहाँ पर एमएस पेंट के अंदर इंसर्ट करूंगा। तो इंसर्ट करने के लिए जस्ट इसको मैं यहाँ पर दोस्तों सिंपली इस तरीके से ड्रैग करते हुए एमएस पेंट के अंदर इस तरीके से ड्रॉप करते हुए यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा। तो कुछ इस तरीके से करने के बाद दोस्तों, आपको डू वांट टू सेव बोल रहा है दोस्तों ये ऑप्शन, जस्ट आपको यहाँ पर डॉन सेव के अंदर क्लिक करना है। डन सेव के अंदर क्लिक करेंगे दोस्तों, देख सकते हैं इमेज तो आ चुका है, बट यहाँ पर इमेज का साइज बड़ा आ चुका है। तो आपको इसको थोड़ा सा यहाँ पर आउट जूम करना है कुछ इस तरीके से। आप लोग देख सकते हैं इमेजेस यहाँ पर प्रॉपरली सेट हो चुका है। इसको सबसे पहले दोस्तों, इस इमेजेस को आपको थोड़ा सा छोटा साइज करना है। तो थोड़ा सा छोटा साइज बनाने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन है दोस्तों, होम के अंदर रीसाइज वाला ऑप्शन है, जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आपको दोस्तों यहाँ पर रीसाइज एंड सेव का ऑप्शन है। दोस्तों, आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के अंदर आपको क्लिक करते हुए परसेंटेज के अंदर टिक होना चाहिए। अब आपको यहाँ पर 30% आपको ग्रेड करना है। दोस्तों, एक्जैक्टली यहाँ पर 100% था, इसको मैंने 30% के अंदर किया है। तो इतना तक करने के बाद सिंपली आपको ओके कर देना। ओके करने के बाद दोस्तों, देख सकते हो इमेज का साइज छोटा हो चुका है। अब आपको दोस्तों इसको पासपोर्ट साइज फोटो बनाने के लिए सबसे पहले इसको जितना आपको एरिया चाहिए उस एरिया को आपको क्रॉप करना है। तो उसके लिए दोस्तों, आपको सिंपली सेलेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर में आपको क्लिक करना है। तो सेलेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर में क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको प्रॉपरली इमेजेस को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको जितना एरिया चाहिए उतना एरिया आपको इस तरीके से सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर आपको क्रॉप वाले ऑप्शन के ऊपर में क्लिक कर देना है। क्रॉप करेंगे दोस्तों, देख सकते हो प्रॉपरली यहाँ पर इमेजेस क्रॉप हो चुका है। क्रॉप होने के बाद दोस्तों, अब आपको क्या करना है इस इमेजेस को पासपोर्ट साइज फोटो बनाने के लिए, सिंपली आपको यहाँ पर सेलेक्ट के अंदर क्लिक करते हुए सेलेक्ट ऑल के ऊपर में आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर एक्जैक्टली सभी सेलेक्ट ऑल हो चुका है। साइड ऑन होने के बाद दोस्तों, आपको सिंपली क्या करना है, कॉपी वाले ऑप्शन के ऊपर में क्लिक करना है। आप लोग देख सकते हो कॉपी के अंदर आपको क्लिक करना है, या फिर आप लोग कंट्रोल सी भी प्रेस कर सकते हो। जस्ट यहाँ पर आपको कॉपी के अंदर क्लिक करना है। कॉपी के अंदर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको एमएस पेंट का न्यू पेज ओपन करना है। न्यू पेज ओपन करने के लिए जस्ट आपको कीबोर्ड का कंट्रोल एन या फिर आपको दोस्तों फाइल के अंदर क्लिक करते हुए न्यू के अंदर जाकर भी आप लोग न्यू पेज ओपन कर सकते हो। जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जस्ट आपको यहाँ पर डॉन सेव के अंदर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर एक न्यू पेज आ चुका है। न्यू पेज आने के बाद दोस्तों, आपको सबसे पहले इसको प्रिंटेबल पेज का साइज क्रिएट करना है, यानी कि दोस्तों 4R का पेज का साइज आपको यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए दोस्तों, आपको क्या करना है, सिंपली फिर से आपको रिसाइज साइज के अंदर क्लिक करना है। यहाँ पर रिसाइज के अंदर क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ चुका है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर प्रिंटेबल साइज बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर परसेंटेज के जगह पिक्सल्स के अंदर क्लिक करना है। पिक्सल्स के अंदर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो के अंदर आपको यहाँ पर अनचेक करना है। अनचेक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का साइज एडजस्ट करना है। तो एक्जैक्टली दोस्तों, यहाँ पर मैं 4R का साइज बना रहा हूँ, तो उसके लिए यहाँ पर मैं पिक्सल्स के अंदर साइज रख रहा हूँ 1800 pixels दोस्तों हॉरिजॉन्टल वेट है, और दोस्तों वर्टिकल के अंदर यानी कि हाइट आपको 1200 पिक्सल्स करना है। तो 1800 पिक्सल्स और 1200 पिक्सल्स आपको यहाँ पर कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली ओके करना है। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर पेज रेडी हो रहा है। दोस्तों, आपको जस्ट आपको जूम आउट जूम इन करने के लिए यहाँ पर आपको इस तरीके से काम कर देना है। अब आपको दोस्तों इसके अंदर इजीली पासपोर्ट साइज फोटो क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों, आपको क्या करना है, अभी आगे मैंने दोस्तों एक इमेजेस को कॉपी किया था, इस उसी इमेजेस को आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। तो उसके लिए दोस्तों, आपको यहाँ पर पेस्ट के अंदर क्लिक करते हुए पेस्ट के अंदर क्लिक कर सकते हो, या फिर कंट्रोल वी भी प्रेस कर सकते हो। जस्ट इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा इधर रखना है। इधर रखने के बाद दोस्तों, यहाँ से आपको थोड़ा सा साइज वगैरह इस तरीके से छोटा कर दे। यहाँ पर आपको एग्जैक्टली इस तरीके से प्रॉपरली सेट करना है। प्रॉपरली सेट करने के बाद थोड़ा सा और आपको यहाँ पर छोटा कर देना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रॉपरली सेट करने के बाद आपको दोस्तों इतना तक यहाँ पर काम कर देना है। इसको आपको थोड़ा सा और साइज आपको यहाँ पर छोटा कर देना है।
तो इतना तक करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक बॉर्डर क्रिएट करना है। उसके लिए दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप के अंदर क्लिक करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट करते हो, यहाँ पर आपको साइज वगैरह भी दे सकते हो बॉर्डर का साइज। जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर साइज के अंदर क्लिक करते हो, बॉर्डर का साइज यहाँ पर आप लोग दे सकते हो। जस्ट ये वाला मैंने दिया है। जस्ट यहाँ पर इस तरीके से इसको प्रॉपरली सेलेक्ट करते हुए इस तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट कर दूंगा। तो दोस्तों देख सकते हो बॉर्डर भी यहाँ पर कम्प्लीटली आ चुका है। अब आपको दोस्तों इसको यहाँ पर 8 पासपोर्ट साइज फोटो बनाना, या फिर आप लोग चाहे तो 12 में पासपोर्ट साइज फोटो बना सकते हो। मैं यहाँ पर दोस्तों आपको 8 पासपोर्ट साइज फोटो बनाकर दिखाऊंगा। जस्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर भी क्लिक करना है। जस्ट सिंपली इस तरीके से यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है। इसी तरीके से आपको बिल्कुल इसी तरीके से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको दोस्तों क्या करना है, सिंपली कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करते हुए, या फिर आप लोग कंट्रोल और शिफ्ट, या फिर आपको कंट्रोल सी कंट्रोल भी, यानी कि कॉपी पेस्ट करते हुए भी पासपोर्ट साइज फोटो बना सकते हो। जस्ट मैं यहाँ पर कंट्रोल होल्ड करते हुए इस तरीके से यहाँ पर इसको रख दूंगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे माउस कीबोर्ड का एरोस बटन से इस तरीके से ऊपर नीचे करते हुए मैनेज कर सकते हो। जस्ट फिर से कंट्रोल होल्ड करते हुए यहाँ पर इस तरीके से ऊपर नीचे करते हुए मैनेज कर सकते हो। फिर से कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करते हुए यहाँ पर आपको इस तरीके से ऊपर नीचे करते हुए मैनेज कर सकते हो। तो इतना तक दोस्तों कंप्लीटली यहाँ पर 4 पासपोर्ट साइज फोटो बन करता है। अब आपको फिर से क्या करना है, सेलेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर में ही क्लिक करना है। जस्ट आपको यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से दोस्तों आपको एरोज बटन देखने को मिलेगा। सेलेक्ट करने के बाद इसको आपको थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा छोटा करते हुए इसको आपको यहाँ पर मैनेज वगैरह करते हुए पासपोर्ट साइज फोटो क्रिएट कर सकते हो। आपको थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा इधर उधर रखते हुए आपको इजीली काम कर सकते हो। थोड़ा सा इसको और बड़ा करना चाहते हो तो इस तरीके से बड़ा करते हुए आपको मैनेज करते इस तरीके से रखते हुए, और फिर से आपको कंट्रोल और शिफ्ट करते हुए इस तरीके से कॉपी करते हुए इजीली 8 पासपोर्ट साइज फोटो क्रिएट कर सकते हो। इसको आपको फिर से इस तरीके से सेलेक्ट करते हो, आपको दोस्तों सेंटर की तरफ इस तरीके से रखना है, आपको थोड़ा सा बड़ा करना है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हो इस तरीके से आपको यहाँ पर मैनेज वगैरह करना है, तो भी आप लोग सब कुछ यहाँ पर इजीली इस तरीके से सभी काम यहाँ पर आपको इजीली कर सकते हो। इसको थोड़ा सा इधर उधर करते हो, इस तरीके से ऊपर नीचे करते हो, यहाँ पर मैनेज करते हुए यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से आप लोग इजीली MS Paint के अंदर 8 पासपोर्ट साइज फोटो बना सकते हो। इसको दोस्तों जस्ट आपको यहाँ पर सेव के अंदर क्लिक करना है, तो आपको सेव के अंदर क्लिक करते हो। जस्ट आपको यहाँ पर JPG फाइल सेलेक्ट करना है। दोस्तों देख सकते हो JPG भी यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। जस्ट JPG डेस्कटॉप के ऊपर रखते हैं, यहाँ पर मैं ये वाला नेम देकर सेव कर दूंगा। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर इजीली इस तरीके से 8 पासपोर्ट साइज फोटो बन करता है। रोजगार इसका आपको प्रिंट करना है। जस्ट यहाँ पर आपको प्रिंट के ऊपर में क्लिक करते हुए आपका प्रिंटर का नेम सेलेक्ट करते हुए पेपर का साइज सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर आपको जो भी पेपर आपने अपलोड किया था वही पेपर आपको सेलेक्ट करते हुए इजीली आपको प्रिंट के अंदर क्लिक करते हुए इजीली प्रिंट कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगा, प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर जो आया तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो पर किसी नए टॉपिक के ऊपर में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।